कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। टेक्नो ने टेक्नो पोवा 2 लॉन्च कर दिया, जो कि पोवा 1 का सक्सेसर होगा, एंड पोवा से मतलब है पावर। तो काफी पावरफुल स्मार्टफोन है, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं सिर्फ 10,500 की प्राइस में। वैसे 11,000 में लॉन्च हुआ है, 4GB 64GB, लेकिन इसका जो पहला सेल आएगा ना 5th August को, उस टाइम पे अगर आप इसे लेते हो तो ₹500 का आपको अमेजोन कूपन वापस मिलेगा, यानी ये पड़ेगा आपको 10,500 रुपए में। एंड इसका एक और वेरियंट है 6GB 128GB, जो कि 13,000 में आ रहा है, उस पर भी ₹500 कूपन का ऑफ होगा, तो वो 12,500 तक आपको पड़ जाएगा। 5 तारीख को पहला सेल है। क्या चीजें इसमें मिलती है, क्या सारी चीजें नहीं मिलती, मतलब मैं कहूंगा कि 10,500 के हिसाब से अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है ये लिटरली। एंड जो सारे स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन देते हैं उनसे कहीं अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है ये। उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या मिलता है आपको इसमें। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो बहुत बड़ा डिस्प्ले दिया, वो भी HD प्लस का नहीं। नॉर्मली इस प्राइस पे आपको HD प्लस के ही डिस्प्ले मिलते हैं, नहीं फुल HD प्लस वाले भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन इस प्राइस पे आपको HD प्लस का ही डिस्प्ले देते हैं 10,500 की प्राइस पे। यहाँ पे आपको 6.95 यानी ऑलमोस्ट 7 इंच का बड़ा फेबलेट मिलता है दोस्तों, वो भी फुल HD प्लस का डिस्प्ले के साथ। पंच होल है, ये भी नहीं कि वाटर ड्रॉप नॉच दिया हो, तो अच्छा मिलता है, मतलब अच्छा लगता है देखने में। रियर साइड पे प्लास्टिक है, थोड़ा सा ग्लॉसी है, देखने में अच्छा लगता है। क्वाड कैमरा का सेटअप है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब 10,000-11,000 के प्राइस में जो आपको लुक चाहिए वो आपको सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। डिस्प्ले और डिजाइन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हो तो देखने में अच्छा लगता है स्मार्टफोन, एंड आपको फीचर्स भी तगड़े मिलते हैं डिस्प्ले और डिजाइन के हिसाब से दोस्तों। इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो मीडियाटेक G85 का चिपसेट है, काफी टेस्टेड चिपसेट है एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा है, 2 लाख के ऊपर स्कोर देता है आपको। एंड माली G52 का GPU, गेमिंग ग्राफिक्स सब अच्छी तरह संभाल लेगा। 12 NAP बेस है तो बैटरी एफिशिएंसी भी आपको तगड़ी मिलती है, एंड अच्छा है परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक उस प्राइस के हिसाब से दे देगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। चलिए इसके बाद ये एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है, जो कि iOS 7.6 के साथ आता है, थोड़े से ब्लॉटवेयर से, थोड़ा सा मैं कहूंगा ना टेक्नो का ये बगी है हल्का सा, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर टेक्नो को थोड़ा सा काम करना चाहिए, लेकिन बाकी सारी चीजें परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी मिलती हैं। परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इश्यूज इस प्राइस के हिसाब से आने वाला नहीं है दोस्तों, नॉर्मली G85 ही इस प्राइस के आसपास आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैमरा की, तो 48 MP का क्वाड कैमरा है, नॉर्मली इस प्राइस में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता। 48 MP का प्राइमरी सेंसर है, एक मैक्रो दिया है 2 MP का, और 2 डेप्थ सेंसर दिए हुए हैं 2-2 MP के। एंड इसके साथ साथ रियर साइड पे आपको क्वाड LED फ्लैश मिल जाता है। चलिए रियर साइड से आप क्वाड HD वीडियोस निकाल सकते हो, 4K और फुल HD प्लस के बीच में आता है ये, 1440 pixels का रेजोल्यूशन होता है, अच्छा है। चलिए मतलब फुल HD प्लस के साथ 1080 के साथ आप 1440 वाले रेजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। बुके पैनो में HDR सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रंट में आपको 8 MP का सेंसर मिलता है, जिसका अपाचर F2.2 का है, वहां से भी आप 1080 रेजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, वहां पे भी ड्यूल कलर LED टोन फ्लैश दिया हुआ है। तो कैमराज अब डिपेंड करता है कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है, लेकिन सेंसर्स के हिसाब से डिसेंट कैमराज आपको इस प्राइस में मिल जाते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसके लिए जाना जाता है, 7000 mAh की बैटरी है, एंड इस प्राइस में 7000 mAh मुझे नहीं था कि इस बजट सेक्शन में किसी ने दिया है। सैमसंग ने एक स्मार्टफोन में दिया था, बाकी और कोई तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बजट में किसी ने दिया हो। चलिए 7000 mAh की बैटरी आराम से 2 दिन निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा मॉडरेट यूजेस में। 18 वाट का चार्जर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा चार्जिंग होने में, मुझे लगता है कि फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज देनी चाहिए थी ताकि अगर कोई चार्जर हो आपके पास तो उसे चार्ज कर पाओ, 18 वाट का चार्जर देते, लेकिन फास्ट चार्ज की जो कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए थी। 7000 mAh की बैटरी 18 वाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो आराम से 3 घंटे के आसपास ले लेगा। इसके बाद सेंसर्स की बात करोगे तो सारे सेंसर्स हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5 mm जैक, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास सब मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेंसर्स के डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है। रियर साइड पे नीचे साइड में आपको स्पीकर्स भी दिए हुए, तो सेंसर्स में कोई भी इशू नहीं है, जितने बेसिक सेंसर्स मिलने चाहिए वो इस प्राइस में आपको सारे मिल जाते हैं। फिर इसके बाद स्लॉट की बात करोगे तो डेडिकेटेड स्लॉट है, यानी 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक्सपांड भी कर पाओगे, यानी 4GB 64GB अगर आपको कम पड़ता है तो मेमोरी एटलीस्ट आप एक्सपांड कर पाओगे 2 SIM कार्ड के साथ साथ, वहां पर कोई इशू नहीं आएगा। वेरियंट की बात करें, ऐसे मैंने कहा 2 वेरियंट है, 4GB 64GB जो कि 11,000 में आया हुआ है, और उसके साथ 6GB 128GB वाला जो कि 13,000 में आया। अगर आप फर्स्ट सेल यानी 5 तारीख को लेते हो तो ₹500 का ऑफ एज अ कूपन आपको मिलेगा, अमेजोन कूपन, तो आपको 10,500 और 12,500 में पड़ जाएगा। 10,500 के हिसाब से कहूंगा 4GB 64GB वाला तगड़ा वेरियंट है अगर आप देख रहे हो स्मार्टफोन तो इस प्राइस रेंज में। एंड वही थोड़ा सा बग्स वाला इशू है मैं कहूंगा iOS में, अदरवाइज बाकी सारी चीजें तगड़ी है, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आने वाला नहीं है।
तो आपको कैसा लगा जरूर बता दीजिए इस प्राइस के हिसाब से। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट के लिए खास नहीं करना, साइड में देखो वैक्टे इमेजेस के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। कैसा लगा स्मार्टफोन ये भी बता देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए दोस्तों